हेलो भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कम्मा गड़ी एंड पालो पाछे। अच्छा, और कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं क्या, ये दिख नहीं रहा क्या? मेरे को ही नहीं दिख रहा। इसको बोलते हैं लहसुन, और आज हम बनाने वाले हैं इसकी सब्जी। वैसे तो आप मेरे को जानते ही होंगे, आई लव ट्रैवल, आई लव राइटिंग, बट आई लव कुकिंग टू। और आज हम आपको बनाकर दिखाते हैं, साथ में सिखाते हैं लहसुन की सब्जी। ओनली लहसुन, कुछ भी नहीं ऐड करना है इसमें, कुछ भी नहीं। सो गाइस, सबसे पहले हमने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इनका बनाना है हमको पेस्ट। अब बात ये है कि हमको नहीं मिल रहा है अपना वो, क्या बोलते हैं उसको, जिस पे हम, अरे जिस पे वो करते हैं ना, हाँ, अदरक कूटते हैं। तो देखिए, हमारा जुगाड़ भी देख लीजिए आप। ये हमने इस पे डाला, ये ना, ये जुगाड़ आपके बहुत काम आने वाला है। आपको जब कभी ना मिले, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कितना रह गया? हाँ, ये रहा हमारा जुगाड़, ये देखिए। देख लीजिए गाइस, जैसे कि हमने इसको बहुत अच्छे से कूट लिया है। बस इतना ही आपको कूटना है कि ये मतलब पूरा पिसे भी ना, और अब इस पे हम ऐड करेंगे वाटर, यानी कि जल, यानी कि नीर। बस इतना ही। अब ये तैयार हो गया हमारा पेस्ट। अब इसका यूज़ मैं बताऊंगा आपको, अभी तो नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में होगा, बट स्टार्टिंग में नहीं होगा, इसका बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए, हमने लिए कुछ छिले हुए लहसुन और कुछ साबुत लहसुन, दो टोमेटो और थोड़ी प्याज काट ली है। मिक्सर में इसको पीस लेंगे, अभी दो बार में पीसेंगे क्योंकि पूरी डालेंगे तो फिर पिसेगी नहीं ना गाइस। चलिए इसको ले जाते हैं हम पीसने। जैसे ही हमें लगे कि हमारी लहसुन ब्राउन हो रही है, तो हम इस पर प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करके और इसको, मतलब जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको भी करेंगे। देखिए इस तरह से करनी है आपको। Thank you.
देखिए यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो हमने इसमें डाला है टोमेटो का पेस्ट। मतलब गाइस जैसे ही आपको लगे कि आपकी प्याज ब्राउन हो गई है, जलने ना पाए, उसके पहले ही आपको टोमेटो का पेस्ट डाल लेना है यहाँ पर इस तरह से। अब सेम इसको भी ऐसे ही करना है। अब देखिए यहाँ हमारे टोमेटो भी हो चुके हैं, तो हम इस पर डालेंगे मसाला। इस मसाले में आपको कुछ भी नहीं लेना है, बस वही घरेलू जो धनिया होती है, धनिया पाउडर हो गया आपका, हल्दी पाउडर हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बाकी और जो भी थोड़ा बहुत आप डालना चाहें, लाइक मैगी मसाला वगैरह जो भी आप डालते हो, तो वो डाल सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ आएगा आपका पेस्ट। मतलब ये इसे होता है जैसे मसाला गर्म होने पे लगने लगता है ना नीचे, ये उसके लिए होता है। सो गाइस सब्जी तो हमारी बनी रही है, बस ये आपको क्या देखना है कि ये जो झाग आपको दिख रहा है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बेहोश नहीं होना है कुछ। ये गाइस थोड़ा सा ना इसकी वजह से हो रहा है, लहसुन की वजह से, तो ये ऑटोमेटिक अभी थोड़ी देर में सारा वो हो जाएगा। अभी तो मतलब इसमें सारे इसमें हो रखा था, बट अभी थोड़ा कम हो गया। तो ऐसे ही मतलब ये बिल्कुल से जब ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि आपकी सब्ज़ी बन गई है, तो बस गैस को बंद कर दीजिए। अभी जब बन जाएगी तो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा ना वीडियो कट कर रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ऐसे करूँगा तो। और ये रही हमारी सब्जी। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसी लग रही है, बिकॉज मैंने तो बनाई, तो मैं खैर बुराई तो करूँगा नहीं, तो आप लोग बताना कमेंट में कैसी बनी है। अच्छी लगी तो अच्छी बताना, बुरी लगी तो बुरी बताना। ये रही बस गाइस, यही थी रेसिपी आज की।